बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम्स। और इस चैप्टर की एक्सरसाइज हम 1.3 सॉल्व कर रहे हैं। 1.3 जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन नंबर 3 तक हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। अब हम इस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज है 1.3 और क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया है प्रूव दैट z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। ठीक है, हमने ये प्रूव करना है कि z का यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z होगा इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। मतलब कि z जो है वो रियल होना चाहिए उसके लिए। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि अगर z रियल होगा तब ये कंडीशन वेरीफाई होगी, अदरवाइज ये कंडीशन वेरीफाई नहीं हो सकती। ठीक है, तो चले हम इसको एक दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, प्रूव कर सकते हैं। चले मैं दोनों मेथड जो है अलग-अलग यहाँ पर बताता हूँ आपको। कि सपोज कर लेते हैं कि जी का तो हमें यहाँ पर पता नहीं है किसके इक्वल है, तो हम एक जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, जी इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, ये मैंने एक यानी कि जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया। अब हम हमारे पास जो कंडीशन गिवन है यानी कि जिसको हमने प्रूव करना है कि z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z होगा। ठीक है, तो इसमें हम चेक कर लेते हैं कि z कॉन्जुगेट, अब z का कॉन्जुगेट क्या होगा, यानी कि a प्लस आयोटा b का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। मतलब कि जो कॉन्जुगेट है उसके नीचे मैंने कॉन्जुगेट लिखा और z के नीचे मैंने z की वैल्यू लिखी। इसका अब हम कॉन्जुगेट फाइंड कर लेते हैं। कॉन्जुगेट क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जो जब इमेजिनरी पार्ट जो होता है उसका जो साइन है आपने उसको ऑपोजिट कर देना। मतलब इस केस में अब पॉजिटिव आपको नजर आ रहा है, ठीक है, तो इसको हम नेगेटिव कर देंगे आयोटा बी। ठीक है, नेगेटिव आयोटा बी कर देंगे तो ये इसका कॉन्जुगेट बन जाएगा। तो ए माइनस बी आयोटा बी जो है इसका कॉन्जुगेट बन चुका है, इज इक्वल टू हमने लिखना है जो ऑलरेडी मौजूद है ए प्लस आयोटा बी। अब हम क्या करेंगे कि चलें इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन हमारे पास बहुत सिंपल सी बन चुकी है, तो हम सारे जो टर्म्स हैं वो लेफ्ट साइड पे ले आते हैं। तो ए माइनस आयोटा बी ऑलरेडी लेफ्ट में मौजूद है, ये ए जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो नेगेटिव ए बन जाएगा, और ये आयोटा बी लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये भी नेगेटिव आयोटा बी बन जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो पॉजिटिव थे। ठीक है, इज इक्वल टू जीरो बन गया। अब यहां से आप देखें कि जो जो टर्म्स आपस में कैंसिल आउट होती हैं उनको कैंसिल कर दें। मतलब कि आपको ये नजर आ रहा है ये पॉजिटिव ए है और ये नेगेटिव ए, ठीक है, आपस में ऐड हो रहे हैं, तो ये नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। उसके अलावा अगर ये पॉजिटिव होता और ये नेगेटिव होता, ये दोनों भी आपस में कैंसिल आउट हो जाते, लेकिन दोनों ही नेगेटिव हैं तो ये आपस में सम हो जाएंगे। ठीक है, ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा माइनस टू बी आयोटा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, सिंपल मैंने उनको सम कर दिया। अच्छा, अब या फिर इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं कि माइनस 2 आयोटा इंटू बी लिख लेते हैं। ठीक है, माइनस 2 आयोटा इंटू बी इज इक्वल टू जीरो, या फिर आप इसके कह सकते हैं कि माइनस बी इंटू 2 आयोटा, यूं भी तो कह सकते हैं ना, इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अब कहने का मकसद ये है, इस तरह से लिखने का मकसद ये है कि आपको आसानी से ये समझ आए कि इसमें या तो बी जीरो है, ठीक है, या फिर 2 आयोटा है, इज इक्वल टू जीरो। तो टू आयोटा, आयोटा आपको पता है आयोटा किसके इक्वल होता है, आयोटा इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन, इसके इक्वल होता है। अगर आप इसको टू से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब टू आयोटा इज इक्वल टू बन जाएगा टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन, तो क्या ये कभी इक्वल टू जीरो हो सकता है? कभी भी इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी एक अपनी वैल्यू है, टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन है। ठीक है, मतलब कि ये कभी भी इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता। तो बाकी क्या वैल्यू बची, बी इज इक्वल टू जीरो या माइनस बी इज इक्वल टू जीरो कह लें आप। ठीक है, तो यहां से b इज इक्वल टू जीरो आ जाता है। मतलब कि ये कंडीशन जो हमने शुरू में लिखी थी, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z, ये तब ही हो सकता है जब b इज इक्वल टू जीरो हो। ठीक है, और b किस में इक्वल टू जीरो, जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। मतलब कि हमें जो हमने जो सपोज किया z इज इक्वल टू किसके इक्वल है, a प्लस आयोटा b, इसमें से b जो है वो इक्वल टू आप जीरो पुट कर दें तो आपके पास क्या बचेगा, ए प्लस आयोटा इंटू जीरो इज इक्वल टू बन गया जी इज इक्वल टू ए। ठीक है, इससे आपको पता चलता है कि जो
आपके पास जी है वो इक्वल टू ए है, मतलब कि ए क्या चीज है, ए रियल नंबर है, ठीक है, इसके साथ आयोटा आपको नहीं नजर आ रहा, या ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में नहीं है, ठीक है, तो ये एक रियल नंबर है, मतलब ये कि जी जब रियल होगा तब ही ये कंडीशन वेरीफाई होगी। तो ये किस तरह से वेरीफाई होगी, अप्रूव होगी, ये आपके सामने है। एक और मेथड क्या है इसका, एक और मेथड ये है कि हम कहते हैं कि चले मैं क्वेश्चन भी दोबारा से मैं लिखता हूं कि जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जी इफ एंड ओनली इफ जी इज रियल। तो हम जी को पहले ही रियल कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, जी इज इक्वल टू रियल का मतलब क्या है, जी इज इक्वल टू ए मैं ले लेता हूं, या कोई भी मैं इस तरह से वैल्यू लिख लूं, ए बी सी जो भी है, ठीक है, तो ए मैंने लिख लिया, ठीक है, कोई रियल वैल्यू यहां पर ले लें आप, मैंने जनरल ए ले लिया। अच्छा, जी इज इक्वल टू ए है तब ये कंडीशन वेरीफाई होनी चाहिए। चले हम चेक करते हैं कि ए का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ए, रियल वैल्यू का कॉन्जुगेट आपको पता है किसके इक्वल होता है, ठीक है, वो रियल वैल्यू एज इट इज आ जाती है, मतलब ए इज इक्वल टू ए आ जाएगा, ठीक, क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट तो होता नहीं है जिसके हमने साइन को पॉजिटिव या नेगेटिव करना है, ठीक है, तो ये सिर्फ रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू का एज इट इज हम लिख देते हैं, तो ए इज इक्वल टू ए आ चुका है, मतलब कि जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जी आ चुका है, ये एक यानी कि छोटा सा प्रूफ था इसका। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कहा गया है कि हमने हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, ठीक है, तो हमने उसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई बाय एक्सप्रेसिंग इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ए प्लस आयोटा बी, ठीक है, तो पहला मैं पार्ट भी यहां पर लिखता हूं, पहला पार्ट है हमारे पास 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ -4। अब आप दोबारा से क्वेश्चन के ऊपर आ जाएं कि क्वेश्चन में हमें कहा क्या गया है, क्वेश्चन आप देखें तो आपको कहा गया है कि आपने आपके पास जो गिवन कॉम्प्लेक्स गिवन जो आपके पास नंबर है, कॉम्प्लेक्स तो नहीं अभी मैं ऐसे कहूंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आयोटा आपको नजर नहीं आ रहा, तो हमने ये करना है कि इसको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करके इसको इस तरह से एक्सप्रेस करना है कि ये ए प्लस आयोटा बी या ए माइनस आयोटा बी की फॉर्म में बन जाए, ठीक है। तो देखें अभी आपके सामने जो नंबर गिवन है या जो भी टर्म गिवन है वो उसमें अभी आयोटा नहीं नजर आ रहा, ठीक है, ए तो चले हम इसको कह देंगे 5 है जो है वो एक रियल वैल्यू है, आयोटा बी यानी कि इमेजिनरी पार्ट इसमें आपको नजर नहीं आ रहा, ये इसमें कोई आयोटा मौजूद नहीं है, तो इसको सिंप्लीफाई करना है और इस फॉर्म में लेकर आना है, ठीक है, तो किस तरह से लेके आते हैं, चलें हम इसको करते हैं, स्टार्ट करते हैं, 5 प्लस 2। अब स्क्वायर रूट ऑफ -4 को अगर आप देखें तो इसको हम लिख सकते हैं -4 को स्क्वायर रूट के अंदर -1 इंटू 4, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है कि किसी भी नेगेटिव नंबर को -1 इंटू दैट नंबर हम लिखें तो वही चीज़ बनती है, ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया -4 को -1 इंटू 4। इससे मुझे क्या फायदा होगा, इससे मुझे ये फायदा होगा कि अब मैं इसको सेपरेटली लिख सकता हूं 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4, सिंपल, ठीक है, मतलब कि दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसके ऊपर होल स्क्वायर रूट है, तो मैंने अलग अलग स्क्वायर रूट में वो नंबर्स लिख लिए। अब आप देखें स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो है वो आयोटा के इक्वल होता है, ये आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, आयोटा किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1, और आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, ठीक है, ये दो चीजें तो दो वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, इसमें अब हम पुट कर देते हैं 5 प्लस 2 आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो है उसकी हम वैल्यू लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 4, अगर 4 का स्क्वायर रूट लिया जाए वो 2 होता है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 प्लस 4 आयोटा, ये हमारे पास आ चुका है। अब आप देखें 5 प्लस 4 आयोटा को, और हमने जिस फॉर्म में एक्सप्रेस करना था उसको देखें, ए प्लस आयोटा बी को, ठीक है, तो ये क्या बनता है, बिल्कुल सेम नहीं है, वही फॉर्म नहीं बन चुकी, बिल्कुल बन चुकी है, ठीक है, मतलब कि हमने सिंप्लीफाई करके इसी फॉर्म में एक्सप्रेस करना था जो कि हम कर चुके हैं। तो इसका एक और क्वेश्चन नंबर 5 का एक और पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाए।
पार्ट नंबर टू में सॉल्व करता हूँ। पार्ट नंबर टू में हमें जो नंबर गिवन है वो है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 इंटू है 2 माइनस या टू बल्कि 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3। ये हमें यानी कि एक एक्सप्रेशन गिवन है, इसको हमने ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लेके आना है। तो चले हम इसको लेकर आते हैं। पहले तो हम सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई किस तरह से होगा, दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो चले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 2 इंटू 3 इज 6, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -3 इज 2 स्क्वायर रूट ऑफ -3। उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ माइनस थ्री को अब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ -3। और स्क्वायर रूट ऑफ माइनस थ्री जब स्क्वायर रूट ऑफ माइनस थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ माइनस थ्री का स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, तो आगे हम मजीद इसको सॉल्व करते हैं। 6 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ -3 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ -3 प्लस -3, ये क्योंकि ये स्क्वेयर जो है स्क्वेयर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हमारे पास बन जाएगा -3। अब मजीद इसको सॉल्व करते हैं। 6 प्लस, अब ये देखें दो टर्म सेम है, इसमें रियल नंबर जो है आपस में ऐड हो जाएंगे यानी कि ये बन जाएगा 5 स्क्वेयर रूट ऑफ -3 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -3। ठीक है, अब देखें इसमें ये रियल नंबर है और 6 जो है, ठीक है, उसके अलावा -3 ये भी रियल नंबर है, दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं। मतलब 6 माइनस 3 जो है वो 3 आता है, 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ -3, ये हो गया सिंप्लीफाई। ठीक है, हमारे पास जो दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी उनको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर लिया और मल्टीप्लाई करके हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। लेकिन अभी भी ये ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में नहीं आया, इसको हमने ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लेके आना है। वो किस तरह से लाएंगे चले हम देखते हैं। 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -3, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ रहा है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं -1 इंटू 3। ठीक है, जिस तरह से पिछले पार्ट में हमने किया था बिल्कुल सेम उसी तरह से। और 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, तो ये अब बन चुका है 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू ये स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन मौजूद है, इसकी जगह हम आयोटा यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में आ चुका है। तो बाकी जो पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 5 के आप खुद से ट्राई कीजिए, बहुत ही आसान है। ठीक है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना था, वो इन दो क्वेश्चन से आपको समझ आ चुकी होगी, तो बाकी पार्ट्स आप खुद कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा गया है शो दैट फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो इसके दो पार्ट्स हैं जिनको हमने शो करना है या प्रूव करना है कि जी स्क्वेयर, पहले पार्ट में जी स्क्वेयर प्लस जी कॉन्जुगेट का स्क्वेयर इज अ रियल नंबर। मतलब कि एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है जी, अगर उसका हम स्क्वेयर लें और उसके बाद जी का हम कॉन्जुगेट भी लें और फिर उसका स्क्वेयर लें और दोनों के जो रिजल्ट्स आए उनको अगर ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास रिजल्ट में रियल नंबर मिलेगा हमें। तो ये हमने प्रूव करना है या शो करना है। चलें इसको हम देखते हैं किस तरह से हम सॉल्व करेंगे कि अभी हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन तो नहीं है, अब हम क्या करें। जब हमें कोई इस तरह से नंबर गिवन नहीं होता तो हम उसकी जनरल फॉर्म ले लेते होते हैं। ठीक है, तो चले हम इसका जनरल फॉर्म जो है हम जनरल नंबर को ले लेते हैं, जी इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। आयोटा को मैं सही से लिख देता हूँ, ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, लेट ए प्लस जी इज इक्वल टू है ए प्लस एयोटा बी। तो जी स्क्वेयर फिर किसकी इक्वल होगा, जी स्क्वेयर इक्वल होगा ए प्लस एयोटा बी का होल स्क्वेयर।
ठीक है। उसके अलावा क्या मौजूद है, जी कॉन्जुगेट का स्क्वेयर, उसके लिए हमें पहले जी कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, मतलब कि ए प्लस आयोटा बी का कॉन्जुगेट जो कि किसके इक्वल आएगा, इमेजिनरी पार्ट को अगर आप नेगेटिव कर दें यानी कि उसका उसके साइन को ऑपोजिट कर दें, तो ये बन जाएगा ए माइनस आयोटा बी जी कॉन्जुगेट इक्वल टू, ठीक है। लेकिन जो हमने प्रूव करना है उसमें तो जी कॉन्जुगेट का स्क्वेयर है, तो इसका हमें स्क्वेयर लेना पड़ेगा, जी कॉन्जुगेट का स्क्वेयर इक्वल हो जाएगा ए माइनस आयोटा बी के स्क्वेयर के, होल स्क्वेयर के, ठीक है। तो चले हम ऐसा करते हैं कि इसको उनकी जगह प्लेस कर देते हैं, मतलब कि हमने जो फाइंड आउट करना है या जिसको शो करना है वो क्या है, वो है जी स्क्वेयर प्लस जी कॉन्जुगेट का स्क्वेयर, ठीक है। तो अब हमें पता है जी स्क्वेयर किसके इक्वल है, जी स्क्वेयर हमने ऊपर फाइंड आउट किया है जो कि इक्वल है ए प्लस आयोटा बी के स्क्वेयर के, ए प्लस आयोटा बी का होल स्क्वेयर के इक्वल है, ठीक है। इसी तरह से जी कॉन्जुगेट का जो स्क्वेयर है वो किसके इक्वल है, ए माइनस आयोटा बी के होल स्क्वेयर के इक्वल है, ठीक है। तो चलें अब हम इसको जो है सॉल्व करते हैं, सॉल्व किस तरह से करेंगे, स्क्वेयर्स ओपन करेंगे, ए प्लस बी का फार्मूला हम यहाँ पर, ए प्लस बी के होल स्क्वेयर का फार्मूला यहाँ पर लगेगा और यहाँ पर ए माइनस बी के होल स्क्वेयर का फार्मूला लगेगा। तो चलें फार्मूलाज ओपन करते हैं, ए का स्क्वेयर प्लस 2a into b आयोटा प्लस यानी कि सेकेंड टर्म का स्क्वेयर हो जाएगा आयोटा बी का स्क्वेयर, ठीक है। ये हमने इसका स्क्वेयर ओपन किया, इसी तरह से उसके बाद प्लस है और a माइनस एयोटा बी का स्क्वेयर, इसको हम ओपन करेंगे तो ये बनेगा a का स्क्वेयर -2 into a into iota b, ठीक है, या b आयोटा हम लिख लेते हैं, एंड पे मैं आयोटा लिख लेता हूँ, ए बी आयोटा, ठीक है। उसके बाद ए स्क्वेयर -2ab हो गया, प्लस बी स्क्वेयर आता है, ठीक है। बी अब यहाँ पर आयोटा बी है, तो ये बन जाएगा आयोटा स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर, आयोटा स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर। तो ये हमने अभी क्या किया इस स्टेप में कि हमने स्क्वेयर्स, होल स्क्वेयर्स ओपन किए, ठीक है, होल स्क्वेयर्स हमने ओपन कर लिए। अब हम इसको जो है यानी कि सॉल्व करते हैं आगे, ए स्क्वेयर एज इट इज प्लस 2ab आयोटा एज इट इज प्लस, अब ये आयोटा स्क्वेयर बी स्क्वेयर बन जाएगा ना इसका, तो आयोटा स्क्वेयर चले मैं लिख ही देता हूँ, आयोटा स्क्वेयर बी स्क्वेयर, अगर इसको मैं वो यानी कि ब्रैकेट्स को ओपन करूँ तो आयोटा स्क्वेयर बी स्क्वेयर, उसके बाद प्लस है और ये ए स्क्वेयर है, ठीक है, ये -2ab आयोटा है और यहाँ पर ऑलरेडी मैंने आयोटा स्क्वेयर बी स्क्वेयर लिखा हुआ है, तो उसको भी मैं इस तरह से लिख लेता हूँ। अब यहाँ से आप देखें कि जो टर्म्स चलें आपस में कैंसिल आउट होती हैं उसको तो कैंसिल करें, ये पॉजिटिव है 2ab आयोटा, ये नेगेटिव 2ab आयोटा के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके अलावा आप यहाँ से देखें तो ये ए स्क्वेयर जो है वो ए स्क्वेयर दोनों पॉजिटिव हैं तो ऐड हो जाएंगे, ये बन जाएगा 2a स्क्वेयर। उसके बाद आयोटा स्क्वेयर बी स्क्वेयर मौजूद है, ठीक है, तो इसको भी हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 iota square b square, ये भी ऐड हो गए, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू हमने प्लेस करनी है, ठीक है, 2a square plus 2 into -1 into b square, तो ये बन जाएगा 2a square -2b square, या फिर आप इसमें से कॉमन ले लें अगर 2, तो ये बनेगा 2 into a square minus b square, ठीक है। मजीद अगर इसको आपने सिंप्लीफाई करना है तो आप लिख सकते हैं इसको 2 into a plus b into a minus b, ठीक है, तो ये इसका सिंप्लीफाइड आंसर है इसका। लेकिन हमने इसका आंसर नहीं निकालना था, हमने ये देखना था इसका जो रिजल्ट है वो रियल नंबर है या नहीं, क्योंकि हमने कहा था कि आपने प्रूव करना है, शो दैट कि z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, उसमें अगर आप इस चीज को इवेलुएट करें तो वो रियल नंबर आना चाहिए उसका रिजल्ट। तो हमने z स्क्वेयर प्लस जी कॉन्जुगेट के स्क्वेयर को इवेल्युएट किया और हमारे पास रिजल्ट में ये आ चुका है 2 into a plus b into a minus b, ठीक है। तो यहां पर कहीं पे भी आपको आयोटा नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि ये रिजल्ट जो है बिलोंग करता है रियल नंबर से, तो इसका रिजल्ट रियल नंबर आ चुका है, जो कि हमने प्रूव करना था वह हम यहां पर प्रूव कर चुके हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के भी जो है 8 पार्ट्स हैं, ठीक है, जिसमें से मैं एक पार्ट सॉल्व कर देता हूँ। पहला पार्ट जो है इसमें
माइनस वन ओवर टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री डिवाइडेड बाई टू इंटू आयोटा का होल क्यूब। ठीक है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई किस तरह से होगा, ये होल क्यूब है, या तो आप डायरेक्टली क्यूब का फार्मूला ओपन कर लें, या फिर एक और मेथड है जो मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ कि इसको मैं लिखूँगा माइनस वन बाय टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री डिवाइडेड बाई टू इंटू आयोटा इसका स्क्वायर इंटू माइनस वन बाय टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री डिवाइडेड बाई टू इंटू आयोटा। मतलब कि मैंने क्या किया, अगर मेरे पास ए क्यूब मौजूद है तो उसको मैंने लिख लिया ए स्क्वायर इंटू ए, लिख सकते हैं ना, तो मैंने उसी तरह से यानी कि इसको लिख लिया। इससे मुझे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि मैं इसका होल स्क्वायर आसानी से ओपन कर सकूंगा। और मैंने क्यूब क्यों नहीं ओपन किया, क्योंकि क्यूब ओपन करूंगा उसके बाद मुझे आयोटा का क्यूब रिजल्ट आएगा ना उसमें, यानी कि कुछ वैल्यूज़ हैं, कुछ टर्म्स आयोटा क्यूब की आएंगे, दोबारा से मुझे आयोटा स्क्वायर में आना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्टली क्यों ना इसको स्क्वायर होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखूं कि मेरे पास रिजल्ट में जो है आयोटा स्क्वायर ही आए, उसकी जगह मैं फिर माइनस वन प्लेस कर दूंगा। ठीक है, चलें हम अगर इस बात की अगर नहीं भी समझ आई तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, स्क्वायर ओपन करने जा रहा हूँ मैं कि माइनस वन बाय टू का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू माइनस वन बाय टू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ थ्री डिवाइडेड बाई टू आयोटा। ठीक है, टू ए बी हो गया ना, और प्लस बी स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ थ्री डिवाइडेड बाई टू आयोटा का स्क्वायर। ये हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने फार्मूला यहाँ पर अप्लाई किया। उसके बाद जो टर्म साथ में मल्टीप्लाई हो रही है, जो एक्सप्रेशन साथ में मल्टीप्लाई हो रही है, उसको एज इट इज लिख लेते हैं, माइनस वन बाई टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री डिवाइड बाई टू आयोटा, ये हमारे पास आ चुके हैं। अब हम इसको जो है सॉल्व करते हैं कि माइनस वन बाई टू का स्क्वायर वन बाई फोर के इक्वल आएगा। ठीक है, ये टू टू से कैंसिल आउट हो जाएगा, और माइनस ये माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई हुआ माइनस बन गया, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री डिवाइड बाई टू आयोटा। ठीक है, उसके अलावा जो है प्लस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री का स्क्वायर अगर लें तो थ्री आता है, और डिवाइडेड बाय टू का स्क्वायर लें तो फोर आता है, क्योंकि इसका होल स्क्वायर है ना, तो मैं डायरेक्टली स्क्वायर ओपन कर रहा हूँ। उसके बाद आयोटा स्क्वायर की जगह हम माइनस वन लिख लेते हैं। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज अभी रहने देते हैं, माइनस वन बाई टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री डिवाइड बाई टू इंटू आयोटा। अच्छा, ये वन बाई फोर को मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, और माइनस थ्री बाय स्क्वायर रूट ऑफ थ्री डिवाइड बाई टू आयोटा को भी मैं एज इट इज लिख रहा हूँ। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, माइनस थ्री बाय फोर यानी कि प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस थ्री बाय फोर बन जाएगा। ठीक है, और दूसरी एक्सप्रेशन एज इट इज, माइनस वन बाय टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री डिवाइड बाई टू आयोटा। अब इन दोनों को अगर आप सॉल्व करें, मतलब कि वन बाय फोर माइनस थ्री बाय फोर को, तो आपके पास माइनस वन बाई टू आएगा, माइनस वन बाई टू, और ये टर्म एज इट इज मैं लिख दूंगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री डिवाइड बाई टू आयोटा। ठीक है, और इसके साथ दूसरी जो एक्सप्रेशन एज इट इज मैं लिख रहा हूँ, माइनस वन बाई टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री डिवाइड बाई टू आयोटा। अब तो बहुत ही आसान हो चुका है, क्यों, क्योंकि आप देखें इसमें अगर मैं पहली टर्म को देखूं तो इसमें पहली टर्म को देखूं दोनों टर्म्स सेम है, और दूसरी टर्म्स जो हैं सेकंड सेकंड टर्म्स दोनों की सेम है, तो मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा माइनस वन बाई टू का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री डिवाइड बाई टू आयोटा का स्क्वायर। तो स्क्वायर को आप ओपन कर लें, ये बन जाएगा वन बाई फोर माइनस थ्री डिवाइड बाई फोर इंटू माइनस वन, यानी कि आयोटा स्क्वायर बनता है ना, तो उसकी जगह मैंने डायरेक्टली माइनस वन लिख दिया, और वन बाय फोर प्लस थ्री बाय फोर इसका आपके पास ये रिजल्ट आ गया। या फिर आप इसे कहें कि एलसीएम लेके इसको सॉल्व करें, फोर बाय फोर जो कि इक्वल टू वन आता है। तो ये हमने सिंप्लीफाई करना था, क्वेश्चन नंबर सेवन का पार्ट नंबर वन था ये। ठीक है, बाकी पार्ट्स आप इसके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, सब इसी तरह से ही हैं, तो सिंप्लीफाई आपने करने हैं। तो यहाँ पर मैं इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ, और हमारे यहाँ पर एक्सरसाइज 1.3 भी ख़त्म होती है, और यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 भी ख़त्म होता है।